हालत तो बहुत ही बुरा है यहाँ पर। आदमी का कीमत तो जानवर से भी बदतर हो गया है। जानवर का कीमत है लेकिन आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है सर। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, नो एंट्री भी गाड़ी चलवाती रहती है। यहाँ का जो विधायक है, सांसद है, किसी को इस पर कोई ध्यान नहीं है। सब कमीशन फिक्स है सबका, सबको कमीशन मिलता है और जान के बदले में वो लोग पैसा वसूलता है। यहाँ पे हाईवा जो कोयला वाहन है वो एकदम बेधड़ल्ले चलती है और तेज़ गति से चलती है। यहाँ पे नो एंट्री सुबह 7 बजे से 7 बजे तक रहती है, उसके बाद भी दिन भर गाड़ी चलते रहती है। यहाँ के प्रशासन की मिली भगत से ऐसा होता है। मुआवजा भी मिलता है तो आदमी देख के मिलता है, अगर पहुँच वाला आदमी है तो मुआवजा मिलता है वरना नहीं भी मिलता है। चतरा लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं हम इस वक्त, और इस वक्त सिमरिया विधानसभा के सिमरिया चौक पर हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां मौत की कीमत तय की जाती है। मौत की कीमत तय नहीं है, हर एक्सीडेंट के बाद तय होता है कि किसको कितना मुआवजा मिलेगा। दरअसल कोयला कंपनी के द्वारा इस सड़क से हाईवा गुजारा जाता है और आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, और उसमें एवरेज आप देखेंगे सड़क दुर्घटना का तो आपकी रूह खड़ी हो जाएगी। ऐसा कोई भी दिन महीने में नहीं गुजरता जब एक्सीडेंट नहीं होता, आखिरकार सिर्फ मुआवजा मिलता है। इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं। बैठिए भैया आप, यहाँ कितना अमूमन एक्सीडेंट होता है? यहाँ तो हर माह में लगभग सप्ताह में एक बार दो बार हो ही जाता है सर। कैसे होता है एक्सीडेंट? यहाँ पे हाईवा जो कोयला वाहन है वो एकदम बेधड़ल्ले चलती है और तेज़ गति से चलती है। यहाँ पे नो एंट्री सुबह 7 बजे से 7 बजे तक रहती है, उसके बाद भी दिन भर गाड़ी चलते रहती है। यहाँ के प्रशासन की मिली भगत से ऐसा होता है। मुआवजा भी मिलता है तो आदमी देख के मिलता है, अगर पहुँच वाला आदमी है तो मुआवजा मिलता है वरना नहीं भी मिलता है। तो आदमी के क्वालिटी के ऊपर मुआवजा मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है, किसी को 2 लाख मिलता है, किसी को 5 लाख मिलता है, किसी को 10 लाख भी मिलता है, और या तो किसी को नहीं भी मिलता। तो हालत तो बहुत ही बुरा है यहाँ पर। आदमी का कीमत तो जानवर से भी बदतर हो गया है। जानवर का कीमत है लेकिन आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है सर। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, नो एंट्री भी गाड़ी चलवाती रहती है। यहाँ का जो विधायक है, सांसद है, किसी को इस पर कोई ध्यान नहीं है। सब कमीशन फिक्स है सबका, सबको कमीशन मिलता है और जान के बदले में वो लोग पैसा वसूलता है। बाकी यहाँ पे मौत का तो कहना ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है इंसान का। रफ ड्राइविंग से ऐसा होता है या सड़क उतना चौड़ा नहीं है इस वजह से ऐसा होता है, या मतलब ये इलीगल रोड है, मतलब CCL को इसमें चलना नहीं था, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है? जैसे ये कोल वाहन चलने के लिए अधिकृत रोड नहीं है, फिर भी ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, और जो थोड़ा बहुत भी गाड़ी चलाने जानता है वो तुरंत हाईवा चलाने लगता है। ट्रैक्टर ड्राइवर अधिकतर हाईवा चालक बन गए हैं। अच्छा। है ना, और कम पैसा के चलते लोग हाईवा मालिक है सो उसको लगाता है। मतलब ड्राइवर का इतना डिमांड है कि ट्रैक्टर चलाने वाला कुछ जानता है, खलासी भी चलाने लगता है। 8 दिन खलासी चला हाईवा में और 9वां दिन से वो ड्राइवर बन गया। एक तो ये कारण है, और दूसरी बात है कि ये रोड हमेशा मैंने सघन आबादी वाला क्षेत्र पड़ता है, और रात बिरात को तो हमेशा चलती रोड है, और उसमें जैसे आज बाज़ार का दिन है, कहीं ना कहीं ज़रूर एक्सीडेंट होगा। बाज़ार साप्ताहिक हाट लगता है और हर एक रोड में साप्ताहिक हाट लगता है, फिर भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी रुकती नहीं है, है ना? तो कितना लगभग हाईवा चलता है इस सड़क पर? यहाँ हजारों गाड़ियाँ चलती है, ये तो काउंटिंग तो CCL ही बता सकती है कि किस दिन कितना निकलता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि दिन में भी हवा चलती ही रहती। अम्रपाली अम्रपाली हो गया, मगध हो गया, और उधर पलामू क्षेत्र से भी गाड़ियां आती है, जो तेतरिया खाड़ हो गया, और एक तो और कोई कोलेरी है ना, हाँ, तो फैक्ट्री का कोयला भी जाते रहता है ना? कोई उपाय है आपकी नज़र में, कोई उपाय समाधान इसके लिए? तो मेरे विचार से पब्लिक को सड़क पर उतरना चाहिए। जब तक पब्लिक सड़क पर उतरकर इसका प्रतिरोध नहीं करेगा तब तक प्रशासन का मिलीभगत से होता ही रहेगा। तो मतलब कभी कोई बोला नहीं, किसी DC ने इसको एड्रेस नहीं किया कि भाई ये तो सड़क है ही नहीं CCL की गाड़ियों के हाईवा के लिए चलाने के लिए, कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए?
वास्तविकता है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क तो है नहीं, ये तो पब्लिक सेक्टर के लिए है। और यहाँ तक देखिए अभी केरेडारी से जो कोल वाहन चलती है, जिसको हजारीबाग रूट से बड़का गांव होकर जाना चाहिए, वहाँ की भी गाड़ियाँ भी इसी रूट से चलती हैं, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर खाली हो हल्ला करते हैं, लेकिन फिर कुछ हो ढाक के वही तीन पात होता है। सप्ताह में हो जाना है कोई ना कोई, निश्चित ये सिमरिया में चारों में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना ही है। और ये बात है कि जो फारूक जी बताए कि कोई कुछ अज्ञात माने हवा मार के चला गया, उसको कोई पता नहीं चला तो उसको कोई देखने वाला नहीं, गरीब तबका का आदमी है, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। और वही कोई VIP मरता है तो उसके लिए नौकरी दो ती दो, है ना। तो जो भी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है उसमें समानता होनी चाहिए, कोल इंडिया जो भी देता है सबको समान मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, भेदभाव किया जाता है। मौत की कीमत तय की जाती है, दरअसल जैसा आदमी वैसा दाम, और उसी से चल रहा है यहाँ का जिला प्रशासन और सरकार का काम। बाजार का दिन है, अमूमन आपको भीड़ दिखेगा ही दिखेगा, और यहाँ आए दिन हाईवा की चपेट में आके कई लोगों की मृत्यु होती है। लोग कह रहे हैं सप्ताह कोई ऐसा नहीं गुजरता जब दुर्घटना ना हो, लेकिन चेहरा देख कर, डेड बॉडी देख कर मुआवजा दे दी जाती है, और ये निरंतर कार्य जारी है। ये स्टेट प्रॉपर्टी का लॉस है, किसी की मौत हो जाना, इसी वजह से आदमी को आत्महत्या करने का परमिशन नहीं मिलता, क्योंकि वो आप राज्य की संपत्ति है, और राज्य की संपत्ति ऐसे ही सड़क पे नुकसान हो जा रही है और राज्य सरकार मौन है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in